भाई वो है सामने मड हाउस, एनसीएट मड हाउस, तो वहां भी जा रहे हैं हम आज। और ये रहा रोड और ये नजारे, और इस तरह का रोड रहेगा कुछ भाई। ये रास्ता इस तरह का है एनसीएट मड हाउस का, और मिस्टर संदीप राणा जी यहाँ पे ड्राइव करते हुए नजारे लेते हुए वादियों का एकदम बढ़िया। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों अभी हूँ मैं एनसीएट मड हाउस में, और इस टाइम पे थांग थांग में। तो सो ये रहा एनसीएट मड हाउस, और ये है यहाँ के ओनर, तो बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम सुषमा है और मैं लाहौल के जो है थांग थांग गाँव की निवासी हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मड हाउस है हमारा, जो कि 100 प्लस पुराना है। और अभी हम जो है जैसे ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम बनाएंगे मन्ना और घी, जो यहाँ का हमारा स्पेशल ओकेजन पे, जैसे कि क्या होता है लड़कियों की जब शादी हो जाती है ना, फिर वो जब घर वापस आती हैं और तब उनके लिए स्पेशल बनाया जाता है, और खासकर जो हमारा फागली रहता है उस टाइम बनाया जाता है। तो ये बहुत ही औसम होता है ये आटा, और जो हमारा लाहौली जो जीरा रहता है पहाड़ों में है ना, सो उसका और नमक का बनता है, तो बहुत ही टेस्टी होने वाला है, खाते हैं। चलो तो ये रहा, तो ये तंदूर, ठीक है। और यहाँ पे अभी कुछ तो ये फोटोज बहुत पुराने हैं वैसे, जो यहाँ के ट्रेडिशन और उसके यहाँ के कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का जनजीवन था यहाँ पे। और ये पुरानी फोटो त्रिलोकनाथ जी की, तो ये है ऑथेंटिक ट्रेडिशनल मड हाउसेस। सो ये रहे इनके बचपन की फोटोज। कौन से 11th स्टैंडर्ड में थे आप, ये 9th में? 9th में ना, लाहौली लड़कियां। मड हाउसेज है यहाँ पे, और सामने जो नदी चल रही है ये है आपकी चंद्रा नदी, और ये प्रॉपर एक फार्म हाउस की तरह है, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, काफ़ी हाइट पे है देख सकते हो। तो ये मेन हाईवे है जो ले हाईवे है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर की ऊपर है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है ये जगह, तो दिखाएंगे आपको। तो ये रहे एनसीएट मड हाउस। स्ट्रॉबेरी, और ये रहा सामने इनका किचन एरिया, टेंट एरिया, वॉशरूम एरिया, और अंदर से रूम एसी है ना, कि बढ़ के स्मेल करो, बाथरूम वगैरह में रख लेते हैं इसको ना। होय 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 होय, ये बहुत कड़वा है। कुट कुट। अच्छा अंकल बता रहे थे पहले इसी की खेती थी। हाँ। राइट। और क्या बोलते इसमें लहसुन की स्मेल आती है, इसकी चटनी बनती है। सोंग सोंग है ना, सोंग। पूरा फुल ऑन जी, जंगली लहसुन हो गया एक तरफ से। ये अभी ये क्या बन रहा है बताओ? ये चटनी बन रही है, ठीक है, वो अच्छा। सलवट्टे वाली, और ये है अमलोडू। हाँ हाँ। एंड ये है हमारा बिच्छू बूटी, ठीक है, बिच्छू बूटी बोल रहे, तो हम भी यहाँ पे इसे बोलते हैं प्रॉपर, नॉर्मली एन बोलते हैं हम इसे, हम आन बोलते हैं। हाँ, आन, हाँ। आन, पूरा हम कई बच्चों को इसे मार भी पड़ती है बचपन में। हाँ हाँ। लेकिन हमें नहीं पड़ी। और ये क्या? अच्छा ये ना, ये शकरक है, शकरक, ये मीठा होता है खाने में, आप इसका डंडा टेस्ट कर सकते हैं। ये वाला, ये इसमें। अच्छा। क्या डलता है, ये तो हर्ब है इसमें। ये शिंगू जीरा है, देखो ये जो जीरा मैंने काला दिखाया था ना, वो ऐसे टाइप का शिंगू जीरा, ये सफेद जीरा है। अच्छा। और इसको टेस्ट करना, और बहुत अच्छा, आप मसाले में, सॉरी चाय में एंड खाने में। इसमें लहसुन लेके आए आप, धनिया और सरसों के पत्ते कुछ, ये ए नहीं है इसमें, ई क्या है? सरसों भी है, सरसों भी है ना, और ए नहीं है इसमें, एंड इसमें वो है जो सॉन्ग मैंने दिखाया था, ठीक है, और जंगली लहसुन, सॉरी जंगली लहसुन लाया आपने, उसके पत्ते, ठीक। तो ये जग चुका है यहाँ पे तंदूर। हेलो, ऐसे मजा आता है हमें सेकने में। आगे सीधे निकलेगा क्या पता, मत मेरे तो ये भी हरा होता है अभी, बाल वालों का जंगली लहसुन है, थी जो हमने सॉन्ग कहा था है ना, जंगली जो हमारा क्या बोलते हैं लहसुन टाइप ही रहता है। अच्छा, तो अलग से डाला हमने है ना, ये है। हाँ पता है मुझे, टिम्बर, हम तिरमिरा बोलते हैं इसे, तिरमिरा। एक बहुत हो रहता है।
इसे दातुन भी होती है ना, और कई के पास कूटने के लिए होता है घरों में ये। क्या बोलती है, नमस्ते को यार। अभी ये आया यहाँ पे पुदीना, जंगली पुदीना। नमक तो भूल गया, लाना भी अनार दाना। इसका प्रोसेस भी है, मतलब बहुत प्यार से करना पड़ता है, मतलब धीरे धीरे है ना। हाँ, क्योंकि ये बाहर उछलता है ना, फिर ये चलता है, और इसका पूरा तरीका पता होना चाहिए बनाने का। हाँ, वही इसको पहले हम ऐसे हल्का कूटेंगे, फिर लास्ट में फिर इसको ऐसे पूरा, है ना। हाँ, वो चीज़। क्योंकि अभी से हम ऐसे लेंगे ये नहीं होगा, तभी नहीं होगा, कूटना पड़ेगा। नहीं, ये रेड राइस अलग डब्बे के अंदर है, इसमें भी मैं प्याज नहीं डालती हूँ, कड़वाहट हो जाती है ना ही। टमाटर, टमाटर भी मुझे अच्छा नहीं लगता चटनी में, है ना। कुछ लोग टमाटर को बहुत यूज करते हैं, लेकिन मुझे भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं ना उसे तब इसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग हो रही है बढ़िया करके। मेन ये होता है कि टेस्ट इस पत्थर का भी होता है ना, जब इसके ये मैंने थोड़ा सा डाला, क्योंकि मैंने इसमें डाला ये सच्चे लोग तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसका स्लोमो बनाना है। आपका क्या चीज होती है? इसको झुलनू कहते हैं, और ये जो है गेंदे के फूल का बनता है, और स्पेशल जैसे ओकेजन में हम लगाए जाते हैं, फागले या शादी या कुछ भी जो हमारा रहता है, मुंडन है ना, टोपी में लगता है। जैसे लाहौली टोपी इसमें लगाए है ना, तो ये तो गुडी पेपर का है, लेकिन जो हमारा लाहौली है ये होता है, एक दूसरा टाटरा का आता है। अच्छा, मैं दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे अभी पहन रहे हैं, उसके बाद जाएगा ये यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं रहेगा, बढ़िया सीधा ही बनेगा ये। ये एंशिएंट किचन प्रॉपर स्टोन की तरह। के ओनर मेन अंकल जी बड़े स्मार्ट हो यार आप। ये हैट तो है ना, ये पुराने फिल्म के हीरो है, फुल ऑन फोटो की जीरा बनाना। एक तरफ चाय और एक तरफ ये, वाह। एक तरफ बन रही है चाय और एक तरफ बन रहा है मन्ना, ठीक है, और वाह परफेक्ट। और ये सुषमा जी बना रहे हैं यहाँ पे चाय, अदरक वाली चाय, और ये इनकी मम्मा है। क्या नाम है आंटी जी आपका? कला। वाह कला, कला कलावती, और यहाँ पे कला दिखा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। काला आटा नहीं, हाँ, सफेद आटा। तो यहाँ पे आ गई चाय और ये आ गया मन्ना, नमकीन है मन्ना। सो भाई फाइनली ये हो चुकी है, बन चुकी है हमारी चटनी। इतनी एज हो गई, मैं खुद मेज़। परांठे के साथ चटनी जबरदस्त, बढ़िया। सर कहाँ गए? लीजिए अंकल, बढ़िया, वाओ, ये फील जबरदस्त। सो ये बन रही है मक्की की रोटी, और दूसरी रागी कोदरा। सो ये रहे यहाँ पे राजमा, देसी घी हो रही है
बिछूटी की साग और ब्राउन राइस, मक्की की रोटी, और ये रोटी भूल के क्या नाम है इसका, कोदरा की, और ये चटनी। यह है यहाँ के मठ हाउस के रखवाले। हेलो मिस्टर एलेक्स। हेलो हेलो